गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन योर सिक्स स्टैंडर्ड मैथ सब्जेक्ट वी ऑलरेडी फिनिश्ड अवर एक्सरसाइज 2.3 इन चैप्टर नंबर 2. सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट अवर एक्सरसाइज 2.3 इन दैट क्वेश्चन नंबर 1. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. सो 1 by 1 सबका मल्टीप्लीकेशन एडिशन डिविजन जो भी दिया है वो आप फिनिश करो, फिर देखो कि कौन से आपको ए बी सी डी में से किसमें से आपको इज नॉट इक्वल टू 0 नहीं मिलता है. तो फर्स्ट 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं. ए में आपको दिया है 1 + 0 इज इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू 0. इक्वल टू के ऊपर ऐसे लाइन बनाओगे मीन्स इज नॉट इक्वल टू 0. अगर इक्वल टू 0 मिलता हमें आंसर क्या लाना है, इक्वल टू 0. बट अगर जहाँ पे नहीं मिलता है वहाँ पे हम लिखेंगे इज नॉट इक्वल टू 0. सेकेंड है 0 × 0 0 मिलेगा. तो ये तो 0 मिल गया, नॉट इक्वल 0 नहीं मिलता है. सो 0 / 2 वो भी 0 मिलेगा. डी 10 − 10 / 2 सो 10 − 10 0 0 / 2 0. सो विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिप्रेजेंट 0. सो ओनली ए will not represent 0. This one is your answer. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2. If the product of two whole numbers is 0, दो whole number का multiplication करना है जो हमें क्या मिलेगा, 0. So can we say that one or both of them will be 0? या तो एक digit 0 होगा या तो दोनों के दोनों number 0 होंगे. कोई भी दो नंबर का आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है. सो आपको 1 by 1 चेक करना है कि या तो एक ही डिजिट 0 है तो आंसर 0 मिलता है, अदरवाइज दोनों के दोनों नंबर 0 आप लिखते हो तो आंसर 0 मिलता है. सो जस्टिफाई थ्रू एग्जांपल्स. तो 1 by 1 हम स्टार्ट करते हैं कि नाउ फर्स्ट 1 डिजिट के लिए हम देखेंगे कि दोनों में से अगर कोई एक ही 1 है एक ही 0 है तो आप चेक करो. फिर सेकेंड टाइम चेक करो, दोनों में से ओनली दोनों के दोनों डिजिट आपको 0 मिलते तो आपका आंसर क्या मिलेगा. सो नाउ फर्स्ट ईयर इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 देन रिजल्ट विल बी 0. कैसे मिलेगा तो उसके एग्जाम्पल में आपको समझाती हूँ. जैसे कि 1 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0, 2 का मल्टीप्लीकेशन 0 के साथ 0, ऐसे कोई भी नंबर का आप 0 के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ऑलवेज 0. मैंने लिखा क्या इधर, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर, कोई भी नंबर का मल्टीप्लीकेशन, इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ 0 देन रिजल्ट विल बी 0. तो आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. अभी एक डिजिट के लिए तो चेक कर लिया, अभी क्या करना है दोनों नंबर के लिए. इफ बोथ आर 0 देन ऑल्सो रिजल्ट विल बी 0. अगर दोनों के दोनों नंबर 0 है तो अभी हमारा आंसर हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. एग्जाम्पल 0 × 0 इज इक्वल टू 0. तो इधर हमें आंसर क्या मिला, यस, दोनों के लिए हमें क्या मिलता है, अगर एक डिजिट 0 है तो भी 0 मिलता है और अगर दोनों के दोनों डिजिट 0 है तो भी आपको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा. इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सेम इसके जैसा है. इसमें आपको दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर इज 1 then can we say that one or both of them will be 1. Justify through example. Here also we have to check but for 1. किसके लिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 0 के लिए किया वैसे इधर किसके लिए करना है, 1 के लिए. So if we multiply any number with वहां पे 0 के लिए इधर 1 के लिए देन रिजल्ट 0 मिलेगा, सॉरी रिजल्ट 1 मिलेगा, देन रिजल्ट विल नॉट बी 1. कैसे नहीं मिलेगा तो एग्जाम्पल देखो, 1 × 2 करो तो क्या मिलेगा, 2. 1 × 3 करो तो क्या मिलेगा, 3.
मीन्स इफ वी मल्टीप्लाई एनी नंबर विथ वन, कोई भी नंबर के साथ वन का मल्टीप्लीकेशन, वो सेम नंबर मिलेगा, वन नहीं मिलेगा रिटर्न में. समझ में आ रहा है इधर आपको? तो विल नॉट बी वन. नाउ इफ बोथ आर वन देन रिजल्ट विल बी वन. अगर दोनों के दोनों वन है तो आपको आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज वन. समझ में आ रहा है इधर आपको? अगर दोनों के दोनों नंबर वन है सो आपको आंसर क्या मिलेगा? वन. तो किसके लिए आपको आंसर मिला? ओनली इफ बोथ दैट नंबर विल बी ऑलरेडी रिटर्न. दोनों के लिए यस नहीं मिलता है, ओनली यस इसके लिए मिलता है. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर है आपका, फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. क्वेश्चन क्या है? फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. 728 मल्टीप्लाई बाय 101, जो से हमने ऑलरेडी पहले कर लिया एक्सरसाइज 2.2 में, 101 है तो उसको 100 प्लस 1 करो. 5437, 1001 है तो 1000 प्लस 1 करो. 824 मल्टीप्लाई बाय 25 है तो 25 है तो उसकी जगह पे आप 20 प्लस 5 करो. इधर 125 है तो 100 प्लस 20 प्लस 5 करो. तो इधर बी एंड सी होमवर्क में दे रही हूँ तो अच्छे से ध्यान रखना. मैं आपको ए एंड डी आपको समझा रही हूँ, इसके बाद ई नंबर का मैं आपको इधर करवा दूंगी, कोई बात नहीं. ओनली बी एंड सी आपको होमवर्क में मिलेगा क्वेश्चन नंबर फोर का. फर्स्ट है 728 मल्टीप्लाई बाय 101. तो इसको हम क्या लिखेंगे? 728 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 1 करो. 728 का 1 बाय 1 दोनों के साथ मल्टीप्लीकेशन, बीच में ब्रैकेट की साइन आएगी. 728 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 728 पीछे 10, 728 मल्टीप्लाई बाय 1 तो क्या मिलेगा? 728 एज इट इज़. क्या किया इधर? पहले 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन, फिर 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन, जो ऑलरेडी अपने 2.2 में सीखा था. तो 728 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 728 के पीछे ओनली क्या लगाने के? 2 0, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लीकेशन सेम मिलेगा. नाउ इन दोनों का भी प्लस करो, लास्ट में 28 तो एज इट इज. नाउ 8 प्लस 7 15, 2 प्लस 1 3 एंड दिस 7 एज इट इज. सो 73521 इज योर आंसर. इसके बाद है बी एंड सी में, जैसे मैंने आपको समझाया 1001 है तो उसका 1000 प्लस 1 करो, 25 है तो 20 प्लस 5 करो. बट डी में आपको थ्री पार्ट बनाना है. मेथड इज सेम, 4275 मल्टीप्लाई बाय 125. सो इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा? तो 125 है तो उसके आप थ्री पार्ट बना दो. 4275 एज इट इज, 100 प्लस 20 प्लस 5 तो 125 हो जाएगा. इधर अभी 1 बाय 1 4275 का मल्टीप्लीकेशन करो, पहले 100 के साथ, इन दोनों के बीच में साइन है प्लस, तो इधर प्लस रखो आप. तो 4275 नाउ मीन नेक्स्ट ब्रैकेट 4275 मल्टीप्लाई बाय 100 के साथ मल्टीप्लीकेशन ले लिया, अभी किसके साथ आएगा? 20 के साथ, फिर बीच में प्लस के साइन, तो प्लस के साइन. 4275 कौन सा नंबर बाकी है अभी? 5, तो 5 के साथ, तीनों के साथ अलग अलग आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. जो आंसर मिले उन सभी का आप क्या करो? प्लस करो. सो 4275 पीछे 20 है तो 20 एज इट इज लगा दो. इधर 4275 मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो पीछे 10 है उसको तो एज इट इज रख लो. अभी 4275 मल्टीप्लाई बाय क्या करने का? ओनली 2, क्योंकि 0 तो हमने रखो. नाउ 5 टू जर 10, 1 कैरी फॉरवर्ड. 7 टू जर 14 प्लस 1 15, 1 इज कैरी फॉरवर्ड. 2 टू जर 4 प्लस 1 5 एंड नाउ 4 टू जर 3. डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं आता है तो आप रफ वर्क में कर सकते हैं. नाउ हियर 5 के साथ मल्टीप्लीकेशन, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 25, बाजू के डिजिट पे 2 कैरी फॉरवर्ड. 7 फाइव जर 35 प्लस 2 37, 3 इज कैरी फॉरवर्ड. 5 टू जर 10 प्लस 3 13, 1 इज कैरी फॉरवर्ड. 5 फोर जर 20 प्लस 1 21.
1। अभी रफ में ये तीनों का प्लस करो, 4, 2, 7, 5, देन 2, 0, देन 8, 5, 5 एंड देन 2, 0, 2, 1, 3, 7, 5। इन तीनों का आपको क्या करना है, प्लस दिस 5 and 7 एज इट इज। ओके, सो आपको क्या मिला इधर आंसर, 5,34,375। दिस वन इज योर आंसर। नाउ इसके बाद है ई नंबर, ई नंबर है 504 × 35। इधर 504 × 30 प्लस 5 करोगे तो भी आंसर मिलेगा, अदरवाइज 500 के दो पार्ट बना दोगे, जैसे कि 500 + 4 × 35 करोगे तो भी आंसर मिलेगा। दोनों मेथड में से आप कोई भी इधर यूज कर सकते हो। सो 35 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ, 1 × 500 के साथ, ब्रैकेट में प्लस के साइन है, तो एज इट इज़ भले वो मल्टीप्लिकेशन में पीछे दिया हो आगे दिया हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। फिर 35 का मल्टीप्लिकेशन आएगा 4 के साथ, दोनों के साथ कर लिया दो ब्रैकेट में अलग अलग। नाउ पीछे 2 0 है तो रख लो पहले। नाउ 35 × 5 तो 5 × 5 = 25, 2 is carry forward, 5 × 3 = 15 प्लस 2 = 17 प्लस 35 × 4 140, दोनों का प्लस करो 40 एज इट इज, 5 + 1 = 6 एंड दिस 17 एज इट इज। सो आंसर क्या मिला आपको, 17,640। आफ्टर दैट योर क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज, you have to given some of the pattern that you already learned in up to your previous standard, that up to 5th standard you learn, study the pattern। इधर आपको एक पैटर्न दी है जिसको आपको स्टडी करना है। 1 × 8 + 1 तो 9 मिलेगा, 12 × 8 + 2 करेंगे तो 9 के पीछे एक डिजिट ऐड कर लो, उसके माइनस 1 करके तो 8 आ गया, 2 के बाजू में एक डिजिट प्लस किया तो इधर 8 के बाजू में एक डिजिट माइनस किया, वैसे ही पैटर्न आपके 5 तक आपको दी है। एंड राइट द नेक्स्ट 2 स्टेप्स, कैन यू से हाउ द पैटर्न लुक्स वर्क्स। सो नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। इधर पहले हमें जो पैटर्न दी है वो हम लिख देते हैं। One multiplied by 8 plus 1 is equal to 9. Then after 12 × 8 + 2 = 98. 123 × 8 + 3 = 9, 8, 7. 1, 2, 3, 4 × 8 + 4 = 9, 8, 7, 6. Then 1, 2, 3, 4, 5 × 8 + 5 = 9, 8, 7, 6, 5। बाहर तक आपको दिया है, अभी इसके पीछे आपको 6 और प्लस 7 करके आपको ये दोनों के आंसर फाइंड आउट करना है। 5 तक लिखा था तो अभी कौन से डिजिट तक आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 × 8 तो आंसर क्या मिलेगा, 9, 8, 7, 6, 5 और माइनस 1 करो तो क्या मिलेगा, 4। ये आपके आंसर ये और ही वाले बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 × 8 तो इधर क्या मिलेगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4 और 4 − 1 क्या मिलेगा, 3। दिस वन इज योर आंसर। हियर योर चैप्टर नंबर 2 इज फिनिश्ड। सो आफ्टर दैट इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी हैव टू स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 3 एंड दिस सेम पैटर्न यू हैव टू राइट डाउन इन योर क्लास वर्क ऑल्सो। एंड हियर योर चैप्टर नंबर 2 इज
फिनिश्ड. थैंक यू.